ओहो, दादा को जोश आ रहा है। दादा कह रहे आज इसको पीछे छोड़ दूंगा मैं। ये दादा जीत रहे हो बस दादा। कमोन 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 दादा, कमोन 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 कमोन। बाय 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 बाय। तो गाइस मीटअप हो गया। तो गाइस यार ये चीज़ अच्छी लगती है यार दिल से, कि जब कोई लोग मिलता है और भाई प्यार देता है तो यार दिल से मजा आता है यार। तो अपना एक छोटा सा मीटअप हो गया बस सामने। देखते हैं क्या हो गया यार, अगर ज्यादा तो चोट वोट तो नहीं आ गई है यार किसी के। गाइस शादी है किसी की, जा रहा है बेचारा। बेचारा क्या यार उसमें, बेचारा क्या, शादी करके जा रहा है एकदम। जितना भी शेर बनना था बन लिया होगा, अब थोड़ी बन पाएगा। शादी के पहले सब शेर होते हैं, शादी के बाद भी होते हैं, थोड़े थोड़े रहते हैं। थोड़े का मतलब 0% वाला थोड़ा। ये पतंगबाज लौंडे हैं ये लोग। ये दो रुपए की पतंग के लिए गाड़ी के सामने आ जाएंगे। ये देखो बे चूतिये। मर जाता साला। जो मैंने कहा वही चीज आ गई। सो हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आर कैसे हो आप सभी लोग, आई होप सभी लोग मस्त हो गए। तो गाइस अभी निकल रहे हैं हम लोग राइड पे, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं आज। तो मैं हूँ, मेरे साथ शिवम है, तो दोनों लोग निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ हाँपी छूट रही, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी है। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा भाई, गर्मी बहुत तेज़ है भाई। चलो पागल हो जाएंगे। तो रेडी। तो गाइस यार फिलहाल हम लोग निकल दिए हैं अपने घर से और अपने मेन PAC गेट के सामने से निकल रहे हैं। अंकल लोग ऐसे देखते हैं घूर के, जबकि मैं अंदर ही रहता हूँ, बट अंदर रहने के बावजूद भी मुझे मतलब ऐसे मतलब लोग अंकल देखते हैं कि ये बाहरी लड़का है, अंदर रह रहता ही नहीं। क्योंकि भाई अंदर PAC के जितने भी लोग होते हैं सब आराम से नॉर्मली सब चलते चलते हैं। तो भाई अपना सीन ही अलग है, हम लोग अलग अलग हर जितने भी बार आते हैं कहीं अलग अलग गाड़ियों से, कहीं किसी से, कहीं किसी से, तो भाई कंप्लेन होने का भी डर रहता है। जय हो माता रानी। आज धूप, अभी आज इतनी गर्मी पड़ रही है ना, फिर भी मतलब मुझे इतनी देर में समझ में आ गया कि आज गर्मी है अच्छी खासी, तो समझ में आ गया यार। अभी चलते हैं, पहले इसमें फ्यूल डलाएंगे, फ्यूल नहीं है गाड़ी में क्योंकि। अरे दादा रोक लो तनिक। तो गाइस फ्यूल अपना पड़ चुका है और अब अपना निकल दिए यार। मतलब एक मिनट के लिए मैंने वहाँ हेलमेट उतारा, मुझे उतने में समझ आ गया कि कितनी तेज़ बार गर्मी है यार। बहुत तेज़ भाई गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज़ ही ज़्यादा। एक तो हेलमेट भी लगाया हूँ, ऊपर से उमस भी है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी इतनी आदत नहीं है ना मुझे हेलमेट लगाने की। अब आदत है नहीं बट आदत लानी पड़ेगी यार, क्योंकि अब विदाउट हेलमेट तो अब चलना ही नहीं है, हेलमेट में ही चलना है। एक्सीडेंट हो गया यार। एक्सीडेंट हुआ है क्या? बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है। आंटी जी बेचारी बैठी थी, वो एकदम चक्कर खा के ऐसे मतलब बैठ रही है जैसे लगे यार। सबको जल्दी है यार जाने की, सब इतनी स्पीड में चलते हैं कि क्या ही बताएं। तो लोगों को क्या कह सकते हैं सब, किसी की इसमें कोई गलती नहीं यार, गलती हालात की है यार। कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ से जल्दी जाता ही है यार। बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था यार, बेचारी उसमें ऑटो में बैठी थी, आंखें उनकी नहीं खुल रही थी एकदम, मतलब जैसे नहीं होता बियोस वाला सीन होता है ऐसे, मतलब उनकी आंखें हो रही थी। एक तो यार यहाँ पे भी सिग्नल लगा रहता है, तो यहाँ पे भी जाम वाम रहता है।
बट कोई दिक्कत नहीं है अपने लोगों को, साइड से निकल जाएंगे हम लोग। बस ये है उस तरफ से, हम लोग इधर से जाएंगे तो जाम इतना नहीं मिलेगा अगर, बट उधर से आएंगे तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक व्राफिक रहता है ट्रैफिक के चक्कर में, तो हम लोग उस तरफ से दूसरे रोड से जाएंगे, इस रूट से नहीं जाएंगे, अलग रूट अपनाएंगे, थोड़ा सा खींचेंगे हल्का सा स्पीड। इसमें फील को जितनी भी भारी गाड़ियाँ हो जाती है ना, जैसे जैसे आप भारी गाड़ी लेते जाओगे तो उसमें स्पीड का आपको इतना डिफरेंस नहीं पता लगेगा, क्योंकि जो जितनी जैसे हल्की गाड़ी हैं उनको आप अगर तेज चलाओगे तो वो गाड़ी ऐसे ऐसे मतलब होने लगती है, बट जितनी भारी ये भी KTM 200 cc हाँ, तो ये इतना स्पीड में इसमें मालूम पड़ रहा है कि मतलब चल रही है गाड़ी, स्पीड में है तो समझ में आ रहा है, लेकिन जितनी भारी गाड़ी होती जाएगी ना, जितने जैसे और भी गाड़ियाँ होती है, या निंजा 600 हो गई या हायाबूसा हो गई या और भी कई गाड़ी, तो इसमें मतलब 100 के अंडर चलोगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन इससे ऊपर जाओगे तो समझ में आता है कि हाँ गाड़ी चल रही है। लेकिन इन गाड़ियों का, लेकिन ये गाड़ी जो ये गाड़ी है ये बनी ही इस चीज़ों के लिए है, स्पोर्ट्स के लिए, कि इनको गाड़ी क्योंकि रेसिंग मोड के लिए ही होती हैं, बट चलाने के ऊपर निर्भर होता है। अगर आप जितने भी देखो राइडर होते हैं अगर टीम के साथ जाते हैं तो उनमें लगा रहता है यार हर चीज़। इधर जैसे ही बस अड्डे तरफ आ जाओ यार, इधर तो जाम फिर लगने ही लगता है, बट अपने लोग को यहाँ से हाँ यहीं से यू टर्न लेना है पीछे हम लोगों को, तो यहीं से यू टर्न लेके निकल चलेंगे अपन। सब खोसे ले आ रहे हैं गाड़ी वाड़ी, किसी को कुछ देखना वेखना नहीं है पीछे पीछे, ना नई बेचारे की अल्ट्रोज है वो बेचारा देख के चला रहा है कि अगर नहीं लेके गया हूँ अगर घर गया बीबी मारेगी तो बेचारा आराम आराम चला रहा है। गाइस खाली रोड अपने को मिल गई है, थोड़ा सा खींच देंगे ज़्यादा नहीं, तो यार ये अपना कैंट है, इधर जैमर लगे हैं तो बिल्कुल नेट चलता ही नहीं है, इधर इस तरफ बिल्कुल नेट नहीं चलता है, तो हम लोग कभी कभी जब इधर आते भी इतना तो ऐसे मतलब वीडियो से काम पड़ता तो नेट अटका, तो बिल्कुल नेट से हम लोग को मिल ही नहीं पाता था यार। हॉर्स घोड़े ये यहाँ पे राइडिंग होती है यार, मतलब हॉर्स सिखाया जाता है राइडिंग यहाँ पे लोग आते हैं। अबे क्यों ये जो राइडिंग होती है सिर्फ ये आर्मी वालों के लिए होती है कि बाहर लोगों के लिए भी होती है? होती है नहीं मतलब सिखाया जाता है ना ये तो आर्मी वालों के लिए होती है कि सबके लिए होती है? सबके लिए होती होगी, बट हम लोग को क्लियर नहीं है, इसने भी तुक्का ही मारा है मुझे पता है, क्योंकि इतनी बुद्धिमान हमारे ग्रुप में कोई नहीं है जिसको इतनी नॉलेज हो। अरे जाम गाइस, इतना जाम है ना हर कहाँ, यहाँ पे खाना पानी में इतने ये चुंगफा
नया खुला है यार, पता नहीं मुझे कब खुला है, लेकिन जो तारा चाइनीज़ फूड मिलता है यार। ये देखो, एक तो इधर से इसको वन वे कर दिया गया है, बट उधर के लोगों के लिए दिक्कतें हो गई हैं। मतलब बिल्कुल सीधे आएंगे, खट्टे से मोड़ देंगे, बाई चांस अगर कोई आ रहा हो बेचारा इधर रॉन्ग तरफ, अगर कोई पैदल वैदल या साइकिल वाइकिल वाला, तो वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा। मैं जितनी भी बार आता हूँ कबूतरों को उड़ा देता हूँ, सोचते होंगे यार। अबे इधर कहाँ है, तो बंद है ना इधर रास्ता। तो अच्छा, चाय पी रहे थे, चाय पी रहे थे कि कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, कुछ पी रहा था ना। अच्छा कोल्ड ड्रिंक। ओ भाई ये क्या मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन तो लग नहीं रही है। ये आपस में मॉडिफिकेशन हो जाती है, जैसे लोग लड़ भड़ के कर लेते हैं कि आओ तुम हमको लड़ा दो, हम तुमको लड़ा दो, तुम्हारी भी मॉडिफाई हो जाएगी, मेरी भी मॉडिफाई हो जाएगी, तो ये वही वाली मॉडिफिकेशन है। देखो देखो अभी नप जाएंगे तो फिर गलती आएगी। हेलमेट भी नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, चले चला आ रहा है सीधे। पुलिस वालों से रेस हो रही है क्या? ओहो हो, दादा को जोश आ रहा है, दादा कह रहे आज इसको पीछे छोड़ दूंगा मैं। ये दादा जीत रहे हैं, जीत रहे हो बस दादा, कमोन 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 दादा, कमोन 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 दादा दादा हाँ। ये दादा ने बढ़ा दिया। ओ अरे दादा कटिंग, दादा भी कह रहे हैं यार, जमाने में तो नहीं बट इस जमाने में अभी मैं गदर काट रहा हूँ, उस टाइम तो यार इतना नहीं कर पाया बट अब कर रहा हूँ। अंकल जी चलो चाचा जा रहे हैं, बाय बाय। चाचा
चाचा को, चाचा जितनी देर भी रहे कंपनी में खुश ही रहे चाचा। चाचा आज घर जाके बताएंगे आज मैंने हरा दिया बच्चों को, नए लड़कों से जीत गया मैं। उरुस सेक्सी पोर्शे थी, मुझे लगा उरुस, लेकिन उरुस होती तो पोर्शे होती तो उसकी आवाज़ ही अलग होती यार। वो उरुस होती तो पोर्शे की आवाज़ है यार, ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स कार हैं सारी यार, ये लोग बोल रहा हूँ। यूके से आ रही है भैया, उत्तराखंड की गाड़ी। तो गाइस अभी यहाँ बैराज पे थोड़ी देर रुकेंगे, 5-10 मिनट। ये बन ही नहीं पा रही है सड़क, पता नहीं कब से बन रही है लेकिन बन ही नहीं पा रही है। अब चुनाव आ रहा है तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना यार, गड्ढा गुड्ढी तो खोदने पड़ेंगे कि ताकि काम हो रहा है लोगों को लगे। ज़्यादा गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है एकदम, मतलब फील आ रहा है यार, उमस सी लग रही है ऐसे में एकदम। अंदर रास्ता क्रॉस कर रहे हैं कुत्ते उत्ते यार, तो यहाँ खतरा रहता है यार बाइक का, जिससे मतलब ये बाइक को देख के भागते हैं यार। तो गाइस यार फिलहाल अभी गंगा बैराज आए थे, बट अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए होल्ड किया, और आप लोग फेस देख सकते हो कैसा हो रखा है यार, एकदम पूरा पसीने से लथपथ हो गया है। इसलिए यहाँ में थोड़ा गोल्डन मैन अभी होगा, बट वो अभी है ही नहीं, क्योंकि धूप, लोग बोल रहे हैं कि धूप की वजह से नहीं आ रहा है, बट बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है यार, तो इस चक्कर में ना पागल पूरा हुआ जा रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ से निकलता हूँ सीधे इधर, इस तरफ हम लोग इस बार चलेंगे उन्नाव होते हुए रूट से, तो थोड़ा वहाँ राइड भी कर लेंगे, क्योंकि वहाँ काफ़ी खाली जगह मिलती है, तो काफ़ी राइड भी हो जाएगी और मज़ा भी आ जाएगा यार। तो फटाफट निकलते हैं ये लोग, भाई लोग अपने सब मिल गए यहाँ पे, तो फटाफट लोगों के साथ फोटो वोटो खिंचा लें, देन फिर निकलते हैं। बाय। तो गाइस मीटअप हो गया, तो गाइस यार ये चीज़ अच्छी लगती है यार दिल से, कि जब कोई लोग मिलता है और भाई प्यार देता है तो यार दिल से मज़ा आता है यार। तो अपना एक छोटा सा मीटअप हो गया, बस लोगों का प्यार मिल गया, ये बहुत है अपने लिए यार, दिल खुश हो गया यार। लोग जब जानते हैं ना यार अपने लोगों को, तो यार कॉन्टेंट देने में भी मज़ा आता है और हर चीज़ मज़ा आता है यार, तो मतलब फील आ गया यार। चल गए, थोड़ा बहुत पानी वानी पिया, थोड़ा बहुत 5 मिनट का रेस्ट लिया था। अब इधर से हम लोग इस रूट के इसलिए किया, क्योंकि यहाँ पे राइड भी कर लेंगे अच्छी, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ नहीं रहती है, तो यहाँ निकल सकते हैं आराम से। और यहाँ पे खतरा भी नहीं है मतलब, तो लेकिन यार यहाँ जानवर थोड़े बहुत हैं, ये भाई वो वाला इलाका आ जाता है समझ रहे हो, तो यहाँ पे गांव क्षेत्र है, तो ये सब फल वल ये सब ताजे मिलते हैं यहाँ पे। तो गाइस यार खाली सड़क का यही मजा होता है, बस पूरा फील सिर्फ यही होता है, बस खाली सड़क का, अगर खाली सड़क मिल गई तो भाई खींच दो।
यहाँ से एक सीधे भी रास्ता है, बट हम लोग उस रास्ते को नहीं अपनाएंगे, इसमें चलेंगे, क्योंकि यार फिर वो बहुत ज़्यादा लूट पड़ेगा और वो गांव के अंदर से निकलेगा तो रास्ता भी नहीं इतनी वहाँ पे ठीक है, ये ठीक भी रहेगा और इसमें सूटेबल भी है अपने को। यार पानी बरस वाला पानी है या जो पानी बरसा उसका पानी भरा यार पता नहीं यार, ये तालाब है लेकिन इतना तो पानी नहीं बरसा यार, कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे जम गया है, बरसा है बट क्या पता इधर अलग बेल्ट लगती हो तो भाई इस चक्कर में यहाँ पे बरसा हो, किधर गंगा बैराज भी है पानी भी है, इस चक्कर में क्या पता यहाँ ज़्यादा बरसता हो पानी। अच्छा तरबूज अरबूज, अब ये ताजे तरबूज रहते हैं पता, ये सब गांव पानी हो गया मीठे नहीं रखते, क्यों ऐसा होता है बोला जाता है तो हमें मतलब पानी भरा जाए तरबूज मीठे नहीं होते हैं, पता नहीं गाइस अगर ऐसा होता हो तो बताना यार कमेंट में, अगर पानी बरस जाता है तो तरबूज मीठे नहीं होते हैं ऐसा है क्या कुछ सीन, मेरे को तो नहीं पता था शिवम बता रहा है तो। पूरी खाली सड़क है यार पूरी, इसीलिए मैंने ये वाला रूट चुना है कि यहाँ खाली सड़क है तो अपना आराम से राइड का मजा ही एक अलग होगा। मजा ही आ गया यार, क्योंकि खाली सड़क का मजा ही होता है यार ये राइड में यार फुल, क्योंकि उस तरफ तो ये सड़क अब मिलती ही नहीं क्योंकि अभी शाम हो गई है, तो उधर हर चौराहे पे हर उस सिग्नल पे जाम ही जाम मिलता तो कहीं भी मजे से ना चला पाते राइड करने का। तो भाई यहाँ पे इसीलिए मैं सोचा ही था कि मैं या तो मैं ये सोच रहा था कि मैं आते समय इधर से आऊंगा, लेकिन फिर मैं सोचा नहीं आते समय नहीं, क्योंकि फिर उधर से आते आते रात हो जाएगी तो फिर उस तरफ से तो कोई मतलब नहीं है, तो मैंने सोचा कि आऊँगा उधर से फिर इधर से तुरंत वापस आऊँगा। सामने देखते हैं क्या हो गया यार, अगर ज़्यादा तो चोट वोट तो नहीं आ गई है यार किसी के, क्या हो गया एक्सीडेंट हुआ है क्या हुआ है शिवम, एक्सीडेंट हो गया क्या भाई, कुछ और सीन है भाई, मुझे ऐसा लगा कि एक्सीडेंट हुआ है बट ऐसा नहीं है, लेकिन पुलिस वाले तो घूम रहे हैं यार, सबर नहीं है लग गई गाइस बहुत तेज, देखते हैं अभी अगर कुछ खाने को मिलता है बढ़िया है तो फिर नारियल ही पानी पियेंगे चल के, वरना फिर घर ही पे कुछ खाएंगे क्योंकि बाहर का तो बिल्कुल बंद ही है खाना पीना, तो नारियल ही पानी अभी चल के पीऊंगा मैं, प्यास भी लग गई है बहुत तेज क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, मतलब बहुत ज्यादा वाली गर्मी है, ये देखो हर तरफ बस चुनाव कहीं सब हो रहा है सब इसीलिए सब। खाली सड़क का मजा ही अलग है गाइस, मजा ही अलग है, शिवम पीछे बैठा है बार बार पंच कर रहा है,
अपने आ गए हैं अपने हाईवे पे। वहाँ पे यार इतनी धूल थी बीच में, इतनी धूल थी, पूरा मन ख़राब हो गया। जब अपने हाईवे पे आ गए हैं, बस अब कुछ ही दूरी में अपना घर है। भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग चुकी है, बहुत ज़्यादा तेज़, क्योंकि इतनी तेज़, क्योंकि जो हवा चल रही है ना उससे इतनी तेज़ उमस हो रही है पूरे शरीर में, शरीर को पूरा जला दी है। अब तो कहो कि सनस्क्रीन लगाई थी और अच्छी क्वांटिटी में सनस्क्रीन लगाई थी, इस चक्कर में चेहरे पे नहीं कुछ हो रहा है, वरना तो यार बहुत तेज। शिवम पीछे से डर रहा है। ये क्या जा रहा है, एक गत्ता गिर जाए शिवम तुरंत भक्क से उठा लेगा। पार्टी होगी आगे हम लोगों की। जस्ट किडिंग यार गाइस, मजाक कर रहा है यार, सीरियस मत होना आप लोग। हंसी मजाक की चलना चाहिए यार, क्योंकि यार अगर लाइफ में हंसी मजाक नहीं है तो यार लाइफ एकदम बोरिंग हो जाती है। तो जितना ज़्यादा लाइफ में हंसी मजाक रखो यार उतना ही अच्छा है, सुकून भी मिलता है, स्ट्रेस से भी दूर रहते हो आप। क्योंकि आज के समय में सबको टेंशन है, सबको स्ट्रेस है, किसी ना किसी चीज़ की तो है यार। किसी को अपने कैरियर की है, किसी को फैमिली की है, किसी को किसी चीज़ की, किसी किसी चीज़ की। तो यार बस हैप्पी रहो, खुश रहो और मेहनत करो और ऊपर वाले पे भरोसा रखो, हर चीज़ हो जाएगी आप लोगों की। बस बस मेहनत करो, अगर मेहनत में आपके दम है तो कुछ कर ले जाओगे, पर अगर मेहनत में दम नहीं है यार तो कोई और जो मेहनत आपसे ज़्यादा कर रहा होगा वो भाई आपसे आगे निकल जाएगा। तो अपने मेहनत पे रखो बस भरोसा, हर चीज़ आपकी होगी, जो जो आपने सपने सोचे होंगे ना हर सपने पूरे होंगे भाई। आगे बढ़ोगे 50 गिराने वाले आएंगे, तो 50 पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव 100 भी आ रहे हैं उनको इग्नोर करो। दादा साइड नहीं दे रहे, दादा कह रहे हैं हमारी सड़क है, हम नहीं देंगे, हम अपने सड़क पे चल रहे हैं, तुम आए हो गलत तरफ से तो हटो। तो यार दादा को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन परेशान करना ही पड़ेगा दादा, क्योंकि इधर ही एक रूट है, उस तरफ तो ट्रक ट्रक लगे हैं, निकल भी नहीं पाएंगे। शिवम के कोपड़ी पे कांटे लग गए। शिवम पीछे से परेशान हो रहा है कि भाई गाइस शादी है किसी की, जा रहा है बेचारा। बेचारा क्या यार उसमें, बेचारा क्या, शादी करके जा रहा है एकदम। जितना भी शेर बनना था बन लिया होगा, आप थोड़ी बन पाएगा। शादी के पहले सब शेर होते हैं, शादी के बाद भी होते हैं, थोड़े थोड़े रहते हैं। थोड़े का मतलब 0% वाला थोड़ा, और इससे ऊपर नहीं, बस इतना ही रहते हैं शेर। प्यारा सा सनसेट हो रहा है यार, आप लोग देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, ये देखिए गाइस क्या ही व्यू है भाई, जाम ही जाम लग चुका है। हाँ कहाँ दिखता है, दिखता है गाइस यहाँ से अपना टेंपल दिखता है सिद्धनाथ, मुझे तो नहीं पता था लेकिन आज पता लगा। ये सच है कि झूठ है वो अभी पता चलेगा, देखेंगे। ये पतंगबाज लौंडे हैं ये लोग, ये 2 रुपए की पतंग, ये 2 रुपए की पतंग के लिए गाड़ी के सामने आ जाएंगे भाई। सनसेट कितना प्यारा लग रहा है यार,
मर जाता साला अभी, मर जाता साला। जो कि जो मैंने कहा वही चीज आ गई, मैंने कहा कि जो अभी बोला था, मैंने कहा साले 2 रुपए की पतंग के लिए किसी भी गाड़ी के सामने आ जाएंगे, साले वही हुआ चूतिए साले। चूतिया साला था, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग से पैदल था इनको। सालों को अपनी जिंदगी की नहीं परवाह, अपनी माँ बाप की परवाह नहीं, साले 2 रुपए की पतंग के लिए पूरी हाईवे पे मौत कर रहे हैं। माँ बाप को पता होगा कि लड़का मेरा काम से जा रहा है, खेलने गया, कूदने गया होगा, ये थोड़ी ना पता है कि लड़का मेरा वहाँ हाईवे पे पतंग लूट रहा होगा। और साला गुटखा खा रहा था, पान 10 रुपए का पान खा रहा है, और साला 2 रुपए की पतंग लूट रहा है। लेट रहा था करना, इनको पकड़ के इतना मारता हूँ मैं। और साला रुक के बीन रहा पतंग, रुक गया हाईवे पे। अरे गाइस कहाँ से आते हैं यार ये लोग, कहाँ से आते हैं भाई। चला हट, देखो अरे हट हट हट। बाबू भैया भी देखना, भी देखेगी दौड़ेगी, ए ए ए रोएगी रोएगी। आओ आओ बाबू आओ, आओ आओ, उंगली पकड़ो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ। बाबू भैया डर गए यार, तो गाइस घर आ गए, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, बस रखाएं रिलैक्स करेंगे फिर निकलते हैं। तो गाइस यार अपनी राइड आइड सब कंप्लीट, बहुत ज़्यादा थक गया था भाई और भूख भी बहुत ज़्यादा तेज लगी थी, तो घर पे जाके थोड़ा रिलैक्स किया, फिर उसके बाद नारियल पानी पीने के लिए मैं निकला और अब आया हूँ, थोड़ा सा मैं बस खाऊंगा पीऊंगा, इसके बाद कल फिर अपनी राइड है कि नहीं अभी कंफर्म नहीं हो रखा है, बट सोचेंगे अगर बॉडी अगर कहेगी तो राइड करेंगे, अदरवाइज राइड नहीं करेंगे। जूते पहन पहन थक गया भाई, चप्पल पहन के मैं। तो गाइस बस आज के ब्लॉग में इतना ही, आए हो लोगों को मजा आएगा, तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर, सब्सक्राइब मिलते हैं आपसे बढ़ लेकर।